ग्रामीण न्यूज यूपी से। आज घोसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव चल रहा है। ये बहुत ही कांटे का मुकाबला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भाजपा से श्री दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी से श्री सुधाकर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये चुनाव 2024 के लोकसभा का एक तरह से फाइनल मैच है। और दोनों पार्टियां पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं, अपना जोर लगा रही हैं। ये भविष्य बताएगा कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अब एक एनालिसिस घोसी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डालते हैं। घोसी विधानसभा में कुल 239 मतदान केंद्रों के 455 बूथों पर मतदान हो रहा है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र को 2 जून 27 सेक्टरों में बांटा गया है। 2 जोनल और 27 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मतदान से पहले एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई हुई है। सुधाकर सिंह के बेटे का ऑडियो एक वायरल हुआ है, जिसमें एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को जूता मारने की बात कही गई है। सुधाकर सिंह और उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, तो BJP ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। बकायदा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। फिलहाल घोसी का उपचुनाव कांटे के मुकाबले में तब्दील हो चुका है। दोनों पक्ष जीतने के दावे कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ सामाजिक और जातीय समीकरण पर टिका हुआ है। एक नजर घोसी में जातीय समीकरण पर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा 95,000 मुस्लिम मतदाता, 90,000 दलित मतदाता, 50,000 राजभर, 50,000 चौहान, 30,000 बनिया, 19,000 निषाद, 15,000 क्षत्रिय और 15,000 कोयरी, 14,000 भूमिहार, 7,000 ब्राह्मण और 5,000 कुम्हार हैं। इस चुनाव में बसपा सुप्रीमो मालती अपने आप को पूरी तरह से तटस्थ बना के रखी हुई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कैडर को यह निर्देश है, या तो वह वोट देने ना जाए या फिर जाए तो नोटा का बटन दबाए का भी रुचिकर मामला दिखाई देता है। आइए हम कुछ मतदाताओं से बात करते हैं। महोदय, आप क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? सपा जीत रही है। कैसे? हरिजन उठ दे रहे हैं, हरिजन उठ दे रहे हैं, सपा को ठाकुर दे रहे हैं, बनिया सभी बिरादरी दे रही है। 70% साइकिल कोट पड़ रहा है, 30% BJP रहेगी। आइए एक दूसरे मतदाता से बात करते हैं। महोदय, आप कुछ बताना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में? सर, यहाँ से सुधाकर सिंह जीत रहे हैं, बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, कम से कम 1.25 लाख वोटों से। भैया, उनका गांव है इसलिए नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, इस समय हवा चल रही है उनके। घोसी में देख लीजिए, मधुबन मोड़ पे देख लीजिए, कहीं भी जाकर घूम कर देख लीजिए, वो 1.25 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार, रिकॉर्ड मतों से घोसी में विधायक। ये चूंकि ये हमको लग रहा है कि एक इंटरेस्टिंग बात हो कि, और ये मुकाबला तो वास्तव में कांटों का है, क्योंकि हम श्री सुधाकर सिंह के परिक्षेत्र में ही हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि वहां पे वो भारी हो, लेकिन मतदाताओं का भी रुझान अपना कुछ अलग होता है। जो उनको दिखता है वही उनके दिल से निकलता है। खैर, धन्यवाद।